हे एवरीवन, वेलकम टू स्पेल बी। सो दीपिका ने अपना एक स्किन केयर लाइन लॉन्च किया है जिसका नाम 82 ईस्ट है। सी, नाम इज समथिंग जिसे देख के फर्स्ट गो में मे बी लोगों को समझ नहीं आएगा हाउ टू प्रोनाउंस इट, एंड इट इज वियर्ड दैट दे चोज अ कॉम्प्लिकेटेड नेम। ड्यूरिंग द लाइव सेशन दीपिका गेव सम हिंट्स व्हाई दे आर कॉलिंग दिस लाइन एज 82 ईस्ट। शी सेड दैट कि 82 ईस्ट इज द लॉन्जिट्यूड दैट रन्स थ्रू इंडिया। सो अगर इंडिया से ही नाम रिलेट करना था प्रोडक्ट का, देन देर आर अदर सिंपल वर्ड्स टू जो वो सिलेक्ट कर सकते थे। मेनी पीपल हैव पॉइंटेड दिस आउट कि नाम बहुत ही ज्यादा अलग रख दिया गया है। अब ये स्किन केयर लाइन जब से लॉन्च हुआ है तब से मिक्स्ड रिएक्शंस लोगों के देखने मिल रहे हैं, एंड वो क्यों थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं जब ये साइट को एक्सेस करने गई तब इट इज नॉट सिक्योर, ये वार्निंग साइन आया, एंड इट इज द रियल वेबसाइट ओनली। वाई दीपिकाज ऑफिशियल इंस्टा पेज, आई वेंट टू 82 ईस्ट का इंस्टा पेज एंड वहां से उनके वेबसाइट पे। तो मुझ पे फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा कुछ उनका बना। थोड़े देर बाद ये मैसेज आना बंद हुआ, जब मैंने वापस ट्राई किया तो वो वार्निंग साइन हट चुका था। अभी दीपिका के ये साइट पे ना दो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, एक अश्वगंधा बाउंस जो एक मॉइस्चराइजर है एंड 50 ml का बॉटल 2700 रुपीज में शी इज सेलिंग। दूसरा प्रोडक्ट है एक सनस्क्रीन सीरम के फॉर्म में, 30 ml का बॉटल है 1800 रुपीज का। अभी ये ब्रांड वीगन, क्रुएल्टी फ्री यानी क्लीन ब्रांड है, प्लस दीपिका का नाम इससे जुड़ा हुआ है तो एक्सपेंसिव होगा। एंड क्लियरली प्राइसिंग को देख के ये समझ ही आ रहा है दैट दीपिका इज नॉट टारगेटिंग मिडिल क्लास फैमिली, बिकॉज वो लोग 2700 रुपीज का मॉइस्चराइजर नहीं खरीदेंगे। एंड कुछ भी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले थोड़ा इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट देख लेते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है ना इसमें जिस वजह से इतना महंगा ये लोग बेच रहे हैं। अभी हम ज्यादा बात अश्वगंधा बाउंस के बारे में करेंगे क्योंकि दीपिका ने लाइव पे उस पर ज्यादा फोकस किया था। पहले तो लिस्ट देख के आई कैन से कि ये मॉइस्चराइजर को नायासिनमाइड मॉइस्चराइजर भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये जो सीक्वेंस में इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं ना उसके पीछे एक लॉजिक होता है। ऑन अ प्रोडक्ट लेबल द इंग्रेडिएंट्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ प्रीडोमिनेंस विद द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट फर्स्ट फॉलोड इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय दोज इन स्मॉलर अमाउंट्स। इसका मतलब यह है कि जो भी इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा मात्रा में यूज किया गया है वो पहले लिखा जाएगा एंड देन उससे थोड़ा कम वाला इंग्रेडिएंट लिख दिया जाएगा। सो ये मॉइस्चराइजर इवन दो अश्वगंधा के नाम से मार्केट किया जा रहा है बट ये ज्यादा मात्रा में उसमें नहीं है। ये इंग्रेडिएंट को बहुत नीचे लिखा गया है, इसमें नायासिनमाइड पहले लिखा गया है फिर उसके चार इंग्रेडिएंट बाद अश्वगंधा लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली नायासिनमाइड की क्वांटिटी ज्यादा है, जो दूसरे नायासिनमाइड मॉइस्चराइजर्स है मार्केट में उससे आप उसे कंपेयर कर सकते हो। अभी जिन्हें नहीं पता, नायासिनमाइड ये इंग्रेडिएंट ना काफी पॉपुलर है वो लोगों के बीच में जिनका स्किन सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन स्किन है उनका। डॉट एंड की, दी ऑर्डिनरी, डर्मा जैसे कुछ ब्रांड्स है जो सिमिलर इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ आपको मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करते हैं एंड उनका प्राइस रेंज 400 से 600 के बीच में होता है। इनमें से कुछ ब्रांड्स क्रुएल्टी फ्री भी है, बट स्टिल आई विल से कि ये जो ब्रांड्स है वो वीगन एंड क्लीन होने का दावा नहीं करते, तो इसी वजह से इनके प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली चीपर है। वेयरएज दीपिका का ब्रांड एक वीगन कैटेगरी में आता है, जस्ट दैट अफोर्डेबल नहीं है। इन माय पर्सनल ओपिनियन 1500 रुपीज वाज अ प्राइस पॉइंट जिसके आसपास अगर दीपिका प्रोडक्ट सेल करती तो शायद और भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों से उसे मिलता। आई नो ये भी कुछ लोगों के लिए एक्सपेंसिव होगा, पर ये प्राइस पॉइंट पे जनरली वीगन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे जस्ट हर्ब्स है, ये भी एक इंडियन वीगन ब्रांड है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स है इसके। स्पेसिफिकली मॉइस्चराइजर करके कोई प्रोडक्ट इनके साइट पे अवेलेबल नहीं है, बट डिफरेंट क्रीम्स इन लोग सेल करते हैं। ऑल्सो इनके प्रोडक्ट्स ना 500 से 1200 के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएंगे, मोस्टली तो 1000 के नीचे ही आपको सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ऊपर से 30 ml, 50 ml जैसा थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट्स वो लोग नहीं देते, कुछ 100 grams के डब्बे का दे चार्ज दैट मच, विच इज फेयर। बट दीपिका 50 ml, 30 ml के बॉटल्स के लिए भी इतना चार्ज कर रही है, तो इट मीन्स कि इनका प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है। एक्चुअल में ये प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, बट पैसा दीपिका का नाम क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है ना उसका है, तो इसे खरीदना चाहिए कि नहीं ये सवाल अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई वुड से कि दीपिका की क्रेजी फैन हो एंड जस्ट बिकॉज उसका प्रोडक्ट है इसलिए यू वॉन्ट टू बाई इट, देन दैट इज योर कॉल। बट आप जस्ट एक अच्छा वीगन मॉइस्चराइजर खरीदना चाहते हो ना, देन आई वुड से कि ट्राई डिफरेंट ब्रांड्स जो मार्केट में आपको कम में मिल जाएंगे। आई एम सेइंग दिस बिकॉज कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी जस्ट कॉलेज जाते हो, तो पेरेंट्स के सामने जिद मत कर लेना कि यही प्रोडक्ट चाहिए बिकॉज दीपिका हैज लॉन्च्ड इट। व्हाई टू पुट दैट एक्स्ट्रा बर्डन ऑन देम? इफ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू कैन अफोर्ड इट, देन इट इज योर चॉइस। बट पेरेंट्स पे प्रेशर डालना है देन वो मत करो, बिकॉज 2700 रुपीज एक मॉइस्चराइजर का, इट इज नॉट वर्थ इट। देन कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने 82 ईस्ट के प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर किया एंड उसका रिव्यू भी डाला, जिसमें साइड कि ये जो SPF 40 वाला सनस्क्रीन है ना वो काफी ऑयली है एंड मे बी ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए सूट करेगा, सेंसिटिव एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए सूट नहीं करेगा। टेक अ कपल ऑफ ड्रॉप्स सो इंस्टेंटली इट्स एक्सट्रीमली ऑयली, लाइक वेरी वेरी ऑयली एंड आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ टेक्सचर एट ऑल। अभी कुछ कमेंट्स अगर देखे तो लाइव सेशन के दौरान दीपिका से लोग ये पूछ रहे थे कि ये प्रोडक्ट डिफरेंट क्यों है, इसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है एंड और भी ऐसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर के बारे में सवाल पूछ रहे थे। एंड ये सवालों के आंसर्स काफी वेग वे में दीपिका ने दिए। वो ये बताने में लग गए कि व्हाट इज मॉइस्चराइजर एंड व्हाट इज सनस्क्रीन, व्हाट डज इट एक्चुअली डू। बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैव टू वेरी डिफरेंट फंक्शंस। अ मॉइस्चराइजर हेल्प्स यू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड।
Let me talk to you a little bit about that. In this journey, we were able to, you know, we spoke to a lot of dermatologists, we spoke to a lot of scientists, and there are fundamental pillars of good skin health. And that is cleansing, but that's also moisturizing and protecting your skin from the sun. And if you see, there is this trend currently going on where actors are trying to be entrepreneurs. And it is because in today's time, they have understood the perks of owning a business. Previously, the risk factor of starting a business used to scare people away. But now there are many platforms through which people can clear their doubts related to this area. And one such platform is Cuckoo FM, where you will find n number of audiobooks related to finance and business that will really help you. If you get a chance, then do listen to the Unusual Billionaires book summary on Cuckoo FM. इसमें कई कंपनीज के बारे में बात किया गया है जो शुरुआत में काफी छोटे स्केल पे चल रही थी, पर persistent efforts की वजह से आज वो कंपनीज का जो नेटवर्थ है ना, वो बिलियन डॉलर्स का हो गया है। Cuckoo FM इंडिया का ना एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज मिल जाएंगे। प्लस Cuckoo FM पे अभी ऑफर भी चालू है। स्पिल 50 कोड यूज करके आप 199 रुपीस में Cuckoo FM की पूरी ऑडियो लाइब्रेरीज एक साल तक एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज एनुअल प्लान जो होता है ना, वो 399 रुपीस का होता है, पर स्पिल 50 कोड यूज करके फ्लैट 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड Cuckoo FM, देन व्हेन यू आर टेकिंग देयर सब्सक्रिप्शन, तब यूज स्पिल 50 कोड एंड 199 रुपीस में एनुअल प्लान आपको मिल जाएगा। Just that ये जो ऑफर है ना, फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड। देन इसमें अश्वगंधा है, विच आई ऑल्सो अग्री इज एन अमेजिंग थिंग, बट वही चीज के बारे में उसे पता था, बाकी इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके बारे में वो ऑलमोस्ट क्लूलेस थी। इसलिए पीपल स्टार्टेड सेइंग दैट इवन दो दीपिका इज क्लेमिंग दैट फॉर इयर्स उन्होंने फॉर्मुलेशन पे काम किया है, बट एक्चुअली शी इज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ व्हाट मेंट है। देन और एक कमेंट था कि अगर खुद दीपिका उसके फेस पे ये सारे प्रोडक्ट्स लगा के लाइव सेशन में हमें नहीं दिखा रही, तो हाउ कैन शी एक्सपेक्ट कि हम इतना महंगा उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे एंड यूज करेंगे खुद के फेस पे। और ये सब ना जेन्युइन सवाल होते हैं, ये फॉरेन में भी होने लगा है। और ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि जनरली जो वो सेल करते हैं ना, वो सेलिब्रिटीज खुद पे तो यूज नहीं करते, स्टिल वो लोगों को सेल करते हैं। तो वेस्ट में कोई भी सेलिब्रिटी अगर लॉन्च करता है कोई भी मेकअप या स्किन केयर ब्रांड, तो ऑडियंस डिमांड करती है कि वो लोग सेशंस में उसे अप्लाई करके दिखाए, सो दैट उन्हें वो ट्रस्ट हो कि सेलिब्रिटीज खुद भी वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने के ब्यूटी का भी नाम लिया, दो के ब्यूटी मेकअप ब्रांड में आता है, पर लोगों का ये कहना था कि कैटरीना ने जब लॉन्च किया था उसका ब्रांड, तब वो ज्यादा प्रिपेयर्ड थी, उसे पता था कौन से इंग्रेडिएंट्स है उसके लिपस्टिक्स या मेकअप में, एंड उसने यूज करके भी दिखाया था अपना प्रोडक्ट्स। तो ये जो थोड़ा बैकलैश मिल रहा है दीपिका के ब्रांड को, उसका अंडरलाइंग प्रॉब्लम एक्चुअली प्राइसिंग है। प्राइसिंग की वजह से इट इज हैपनिंग, एंड आई ऑल्सो फील कि प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, पर दीपिका इसकी को फाउंडर है, उस वजह से इट इज एक्सपेंसिव, एंड शी हैज दैट राइट ऑल्सो। उसने अपना नाम बनाया है इतने सालों में, तो उसका चॉइस है वो कि वो लोअर क्लास, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कैटेगरी में से किसे एज अ कस्टमर चूज करना चाहती है। बट जनरली सेलिब्रिटीज ये भूल जाते हैं कि उनके जो फैंस है, उनकी जो ऑडियंस है, वो मेजरली एक ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करती है जो इतना पैसा नहीं डालेगी एक मॉइस्चराइजर पे। तो एंड में अगर आपको उन्हें ही मार्केट करना है ये सब, तो उनके हिसाब से प्राइस पॉइंट रखा करो। एंड एक चीज जो मुझे दीपिका के ब्रांड के बारे में अच्छा लगा, वो ये था कि इन डिटेल एक्सप्लेनेशन उन्होंने सबके बारे में दिया है। उनके वेबसाइट पे इजीली लिस्ट मिल जाता है, एंड इट शोज दैट वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहने का ट्राई कर रहा है। एंड इवन दीपिका हैज टू नाउ स्टार्ट शोइंग हर ऑडियंस कि वो ये प्रोडक्ट एक्चुअल में खुद के फेस पे भी लगाती है, क्योंकि 82 ईस्ट के इंस्टा पेज पे भी आई वेंट, एंड वहाँ पे भी कोई ऐसा रील देखने नहीं मिला जहाँ पे दीपिका ये प्रोडक्ट्स यूज करी है। वेबसाइट देख के भी दीपिका का ब्रांड है ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि काफी कम फोटोज उसके यूज किए गए हैं, जबकि उसका प्रेजेंस वहाँ पे ज्यादा होना चाहिए था। इतना एक्सपेंसिव ब्रांड अगर एक रैंडम ब्रांड होता ना, तो शायद ही कोई खरीदता। दीपिका की वजह से मे बी पीपल विल बाय, सो इफ शी इज द फेस ऑफ दिस वेंचर, देन हर प्रेजेंस शुड ऑल्सो बी वेरी स्ट्रांग। के ब्यूटी का पेज कभी खोल के देख लेना, चाहे फिर वो इंस्टा पे हो या नायका पे क्यों ना हो, कटरीना के बड़े बड़े पोस्टर्स आपको देखने मिलेंगे। तो शी हैज ओन्ड हर ब्रांड इन रियल सेंस, चाहे फिर वो मार्केटिंग में हो या मेकअप रूटीन दिखाना हो लोगों को, शी हैज डन इट ऑल, एंड दैट इज व्हाट 82 ईस्ट इज करंटली नॉट डूइंग। एंड बिफोर गोइंग, डू नॉट फॉरगेट अबाउट Cuckoo FM, ये प्लेटफॉर्म को जरूर ट्राई करना। डिस्क्रिप्शन के लिंक वायर डाउनलोडेड, यूज कोड स्पिल 50 टू गेट 50% ऑफ। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, डू लेट मी नो कि 50 ml के बॉटल के मॉइस्चराइजर के लिए क्या आप 2700 रुपीज दोगे, जस्ट बिकॉज ये दीपिका का ब्रांड है। एंड इफ यू वॉन्ट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।